वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर जॉइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट इज वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड। ठीक है, दो टॉपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें लाइक इन द फर्स्ट लेक्चर, जो कि मैंने आज ही मॉर्निंग में लिया था, ये रिविजन सीरीज है। रिविजन सीरीज में अभी तक हम हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, एंशंट मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी पूरा, ज्योग्राफी और इकोनॉमी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो है हमने कवर किया है, स्टार्ट किया है साइंस। साइंस में हमने फिजिक्स का एक लेक्चर कर लिया है, दूसरा लेक्चर है। मोस्ट प्रोबेबली पूरे फिजिक्स को हम चार लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे कि चार लेक्चर में हमारा पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया, दैट इज द इंटेंट। आज के सेशन में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वर्क एंड एनर्जी और जो है साउंड को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, प्लीज डू लेट अस नो अबाउट द इंप्रूवमेंट्स, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए। और इंपॉर्टेंट है कि हम जो है यहां पर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। जो भी मेरे साथ लाइव हैं, प्लीज डू लेट मी नो वेदर माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सब तक, प्लीज डू लेट अस नो। चलो शुरुआत करते हैं वर्क एंड एनर्जी से। तो पहले सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जस्ट अ रीकैप जल्दी से। हमने उसमें डिस्कस किया था अबाउट थ्री टॉपिक्स। हमने मोशन डिस्कस किया था, देन फोर्सेस ऑफ लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस की हमने बात की थी। और थर्ड टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया था, हाँ जी, थर्ड टॉपिक जो भी मेरे साथ लाइव है आरती जो है उसमें हमने डिस्कस किया था, ओके, जस्ट फॉरगेटिंग द थर्ड टॉपिक। ठीक है, चलिए, सो वर्क एंड डन, यहां पर शुरुआत करते हैं वर्क एंड एनर्जी की। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो वर्क क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज वर्क। देखो वर्क ना, अब यहां पर आपको यह समझना है कि फिजिक्स में जब हम वर्क की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं कि कितना फोर्स लगाया गया और कितना मूवमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, वो जो है कहलाता है आपका वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें कितना फोर्स लगाया गया है, और वो जो है यहां पर बताता है वर्क डन। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले, मान लीजिए ये व्यक्ति जो है ये ट्रॉलर को मूव कर रहा है, ट्रॉलर को जो मूव कर रहा है तो ये फोर्स वो एफ लगा रहा है। तो इस, ये अगर एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ही जो है काम कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन इज फोर्स इंटू एफ डी। डी क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, कॉस थीटा, क्योंकि इसका जो है ये कॉस थीटा कंपोनेंट है। अब साइन थीटा कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट ये वाला है और इस कंपोनेंट में कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि ये ट्रॉलर जो है ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे कहीं मूव कर रहा होता तो तब हम ये कहते कि यहां पर कुछ वर्क डन हो रहा है। अब इस केस में आपको यहां पर कोई वर्क डन नहीं मिलता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीचे की तरफ कोई वर्क डन नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, तो इसलिए हमने इसका कॉस थीटा का कंपोनेंट लिया है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फोर्सेस दैट आर वर्किंग। ठीक है, हाँ, थर्ड टॉपिक जो मैं भूल गया था, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने डिस्कस किया था, यहां से याद आ गया। ठीक है, ग्रेविटेशन से याद आ गया। ओके, सो यहां पर एग्जांपल दे रहा है, मान लीजिए शेल्फ है, मान लो मैं इसको पुल कर रहा हूं बट ये मूव नहीं हो रही। मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर, इसको मैं मूव कर रहा हूं, इतनी फोर्स लगा रहा हूं बट ये मूव नहीं कर रहा कहीं पे भी, तो दैट मींस कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा। अब आई माइट से कि मैंने फोर्स लगाया है बट इसमें मूवमेंट नहीं हुआ, दैट मींस कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। सो दैट इज द जो है कंसेप्ट है आपका फिजिक्स में। ठीक है, सिमिलरली अगर ये मान लीजिए यहां पर ये फोर्स लग रहा है एफ, तो इसका जो एफ कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट है, ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ही वो कंपोनेंट जो है फोर्स का माना जाएगा। सो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ही यहां पर जो है माना जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क डन में। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है, एनर्जी है कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क।
ठीक है, अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो ये जो है आपको बताता है वर्क पर पावर, इसे हम फर्दर पावर को समझेंगे, तो कैपेसिटी कितनी है, अबिलिटी कितनी है टू डू वर्क। अब ये कई सारी फॉर्म्स में हो सकता है, और जैसा कि हम हमेशा से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी यूनिट जो है वो क्या है, जूल है, और इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। देखो, कैनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं मूवमेंट की। ठीक है, जैसे हम लाइक कैनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर या अगर इसको हम टेक्निकली देखें तो हाफ एम वी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एम जी एच, वाई एम जी एच, क्योंकि यहां पर देखो एम जी क्या है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, एम जी इज फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है एम जी, अगर हम पर्टिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये पर्टिकुलर बॉटल जो है इस हाइट पे है, तो इसका जो है क्या है, वेट है एक अपने आप में। ठीक है, m इंटू जी, और कितनी हाइट पे है, जो भी इसकी हाइट है, से सपोज 1 मीटर, तो m इंटू जी इंटू एच, सो दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। सो दैट इज विद द हाइट। ठीक है, दैट इज विद द हाइट। देन आपका केमिकल एनर्जी, जो कि केमिकल्स की वजह से बॉन्ड्स, जो कह लीजिए एटम्स और बॉन्ड्स है, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है उससे केमिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेसिकली हीट एनर्जी, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है, जो हीट जनरेट होती है उसको कहा जाता है। देन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगेन मूवमेंट ऑफ आयंस, और उसके बाद आपका न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। थर्मल एनर्जी हमने डिस्कस किया, रेडिएंट एनर्जी बेसिकली लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी के रूप में हम देख सकते हैं। देन आपका केमिकल एनर्जी हो गया। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें आ गई, पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी, और ग्रेविटेशनल एनर्जी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। ठीक है, मान लीजिए ये पेन में नीचे जो है ड्रॉप करूंगा तो अपने आप चला जाएगा। देन अगेन न्यूटन के सेब क्यों गिरा, सेब गिरा क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। जो भी मेरे साथ लाइव है प्लीज एक बार मैसेज करें। ठीक है, सो कैनेटिक एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। ठीक है, एम जी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया एम जी इज द वेट, ठीक है, फोर्स। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, हाइट, तो दैट इज हाइट, दैट इज डी, तो ये एफ इंटू एच या एफ इंटू डी हो गया। तो यहां पर एम जी एच क्या आ गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो ये अगर यहां की पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, ये हाइट। ठीक है, अब जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मेन रनिंग। ओके, ठीक है, सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जब आप बो एंड एरो की बात कर रहे हैं, जब आप पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, व्हेन यू रिलीज इट तो आपने क्या किया, वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, बो एंड एरो में, क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी में जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी है, एक सर्टन हाइट से आपका पानी नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी। बो एंड एरो जस्ट हम ये हमने डिस्कस किया, इवन जो है, ठीक है, सो दिस इज ये इसमें भी आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसमें भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपली अगर आप बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है नीचे की तरफ, किनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों किनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और क्योंकि अब इसकी हाइट कम हो रही है
तो पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, एक छोटा सा और इसमें एग्जांपल आता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है के 0.5 स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सटेंशन का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सो हाफ इंटू के, के है न्यूटन पर मीटर और अमाउंट ऑफ स्ट्रेच नॉट द टोटल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यहां पर हमने एक वेट लगाया, ठीक है, वेट लगाया, मान लीजिए एक स्प्रिंग है और ऑब्वियसली जब आप उस पर वेट लगाएंगे तो वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेच कितना हुआ, इतना स्ट्रेच हो गया, ठीक है, ये इतना स्ट्रेच हो गया, तो इतना जो स्ट्रेच हुआ मान लीजिए एक्स है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई स्क्वायर इज ई इज एक्स, ठीक है, कितना स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। के इज द कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इसे बोलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो ये आपको बताता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जो जितना स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, नेट स्ट्रेच हुआ है और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हाफ, ठीक है, तो ये कहलाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आपका केमिकल एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड्स में होता है, थर्मल एनर्जी हीट से एसोसिएटेड है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आयन से, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है न्यूक्लियर रिएक्शन, वो फिजन हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है। अगर हम सन की बात करें तो वहां पर कौन सी एनर्जी आपको देखने को मिलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन मिलता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, ठीक है, हीलियम बनाता है। अभी तक हम इसको कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन डेवलप नहीं कर पाए हैं, कोशिश चल रही है, कई कई जगह आपको देखने को मिलता है, बट फ्यूजन रिएक्शन हम देखने को मिलते हैं, जो हम जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यूरेनियम लाइक 235 लेते हैं, वो बेरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट होता है, फिर तीन न्यूट्रॉन्स होते हैं, तीन न्यूट्रॉन में से जनरली हम दो को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक न्यूट्रॉन, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, तो उससे हमारी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल अगर हम बात करें केमिकल एनर्जी की, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कैंडल बर्न कर रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी कहाँ, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, या फिर आपकी बैटरी है तो उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी से कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल्स की बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि कोल है तो इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में बॉन्ड है, ठीक है, जब आप उसको जलाते हैं तो वो बॉन्ड जो टूटता है उससे आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो नेचुरल गैस, अगेन कार्बन एटम, वुड, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोपेन, ये प्रोपेन, वुड, नेचुरल गैस, कोल, ठीक है, देन बायोमास, ये सारी चीजें क्या है, केमिकल एनर्जी, क्योंकि कार्बन एटम्स हैं इसमें, ठीक है, फूड, ठीक है, पेट्रोलियम, सेलुलर रेस्पिरेशन, केमिकल बैटरीज, इन सब में आपको क्या मिलता है, हायर पार्टिकल्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो इनिशियली क्या है, केमिकल एनर्जी है विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स, ठीक है, वो हीट एनर्जी, जैसे अगर मान लो आप नेचुरल गैस को जला रहे हो तो हीट एनर्जी है और लाइट एनर्जी है, ठीक है, हीट और लाइट में वो है कन्वर्ट होता है। सिमिलरली थर्मल एनर्जी की बात करें, स्टोव, ठीक है, आयरन प्रेस या कह लीजिए आयरन हीटर, फायरप्लेस, टोस्टर, माइक्रोवेव अवन, इनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको थर्मल एनर्जी, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, बेसिकली क्या है, कोई भी जो अंदर पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते हैं, एक टर्म आता है एडियाबेटिक हीटिंग। एडियाबेटिक हीटिंग क्या होता है, एडियाबेटिक हीटिंग में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट नहीं होता, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता, जल्दी कोई भी चीज जल्दी क्यों है, जल्दी आप मान ली बर्नर पे जब आप उसको जलाते हैं तो क्या है, एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं उसको, बट कई बार एक्सटर्नल हीट के बिना भी वो चीज जलती है, तो वो एडियाबेटिक हीटिंग होती है, जब कंप्रेशन की वजह से होता है, कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं आपस में टकराने लगते हैं, जैसे कि हम पढ़ते थे म्यूटराइट, अगर आपको याद हो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि म्यूटराइट जो है जब मीजोस्फियर में आता है, हमारे एटमोस्फियर में आता है तो बर्न करने लगता है, जिसको आप कहते हैं टूटता हुआ तारा, सो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ एडियाबेटिक हीटिंग, that is also kind of you can say thermal energy, but that is happening not because of external source of energy, that is happening within the particles. I hope this is clear, theek hai, if you please do let me know, theek hai, agar koi doubt hai kisi ko bhi।
नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है, आयंस की वजह से, ठीक है, आयंस की वजह से, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. सो पावर आउटलेट है, बैटरी है, टेलीविजन, लाइटनिंग, लाइटनिंग में भी वेरी इंपॉर्टेंट, टोस्टर, लाइट बल्ब, इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिल रही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन होता है. फिजन के केस में जैसे यूरेनियम 235 है, उसे हम बेरियम और क्रिप्टन, फिर तीन न्यूट्रॉन्स, फिर तीन न्यूट्रॉन्स फर्दर, इसी को हम चेन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, चेन रिएक्शन कहते हैं, एंड व्हेन वी लाइक एक ही न्यूट्रॉन को हिट कर रहे हैं फर्दर, तो उसको कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं. फ्यूजन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, जिसमें अनप्रेसिडेंटेड बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. वो अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, हम एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बट स्टिल ठीक है, कमर्शियल लेवल पर हम उसको नहीं लेकर आ पाए हैं. ओके, सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर वेपन्स, यहां पर आपको न्यूक्लियर एनर्जी देखने को मिलती है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि नेट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो टोटल एनर्जी जितनी इनिशियली थी उतनी ही आपको फाइनल एनर्जी मिलेगी. सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि यहां पर आपकी कैनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि मान लीजिए ये जो है यहां पर एक सर्टन हाइट है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. व्हेन जब आप इस पेंडुलम को रिलीज करते हैं, ये जो हाइट है ये मिनिमम है, ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो, बट कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. ठीक है, फिर ये आगे तक जाएगा. अगर मान लो ये क्या है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये अगर वैक्यूम में है तो ये झूलता रहेगा ये पेंडुलम, बट क्योंकि लाइक एयर का भी फ्रिक्शन है तो ये इवेंचुअली रुक जाता है, अदरवाइज नहीं रुकेगा. ठीक है, सो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, किनेटिक एनर्जी जीरो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर यहां पर जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. सो ये इस चीज को यूज यहां पर करता है, कोई बात नहीं. ठीक है, प्लीज इसको जो शुरू वाला पार्ट है देख लीजिएगा. हाँ, अब एग्जांपल दे लेते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी कहां पर कन्वर्ट हो रही है. जैसे कि गाड़ी में देखें, ऑटोमोबाइल में जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल और हीट एनर्जी में. ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो पेट्रोल बर्न हो रहा है. पेट्रोल क्या है, एक बायोमास, एक कार्बन. ठीक है, उसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स को जब आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पार्क इन द स्पार्क प्लग या सिंपली कंप्रेशन की वजह से, तो उससे क्या हो रहा है, जो है उसमें हीट जनरेट हो रही है और आपका एक मैकेनिकल एनर्जी जिससे आपकी गाड़ी मूव कर रही है, पिस्टन मूव कर रहा है, कैनेटिक एनर्जी आ रही है. ठीक है, कैनेटिक एनर्जी से ये गाड़ी आपकी सरपट दौड़ती है. ठीक है, सिमिलरली ट्री चेंजेस रेडिएंट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. रेडिएंट एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी टू किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका केमिकल एनर्जी में, कंपाउंड्स बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रिपेयर कर रहा है. सिमिलरली जब आप हैमर, तो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं डिफॉर्मेशन और हीट एनर्जी में. ठीक है, जब आप इसको बेसिकली आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी में, और जो भी आप डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब मान लो इसको जो है हथौड़े को या हैमर को मार रहे हैं, तो कील जो है उसमें जा रही है. सिमिलरली थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चेंजेस न्यूक्लियर एनर्जी टू रेडिएंट एंड हीट एनर्जी. न्यूक्लियर में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में. सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मिक्सर की, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल और हीट एनर्जी में. सिमिलरली आप कोई भी बल्ब की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, ट्यूब की बात कर सकते हैं, उसमें भी यही हो रहा है. ट्यूब में क्या हो रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. अब अगर जो पहले वाला वो इनकैंडेसेंट लैंप होता था, जो बड़ा सा लाटू होता था, उसमें क्या होता था, लाइट एनर्जी कम होती थी, हीट एनर्जी ज्यादा होती थी. धीरे धीरे हमने CFL पे आए, फिर LED पे आए, तो एग्जैक्टली हमने क्या चेंज किया, हमने ये चेंज किया कि जो लाइट एनर्जी का कंपोनेंट था वो बढ़ाया, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया, और जो हीट एनर्जी का कंपोनेंट था वो कम किया. अगर आप पुराने वाला लाटू देखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा आपको गर्मी महसूस होगी. थोड़ा टाइम आप उसके पास बैठेंगे तो आपको बिल्कुल बकायदा हीट महसूस होगी यहां पर. ठीक है, सिमिलरली लैंप चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, वो लैंप हो सकता है, वो ट्यूब हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पावर की. पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क. देखो
किसी भी चीज में ना जब आप पर यूनिट टाइम कर देते हो, ठीक है, पर यूनिट टाइम आप में कितनी पावर है, हम कहते हैं ना कितनी पावर है, या हॉर्स पावर की हम बात करते हैं, तो पर यूनिट टाइम बेसिकली वर्क पर यूनिट टाइम. सो यहां पर रेट एट विच वर्क इज डन एट द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड, कितनी तेजी से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है या ट्रांसफर हो रही है या कितना वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है. पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है जी, या सिंपली कहें तो जूल्स पर सेकंड, क्योंकि एनर्जी की क्या है, जूल है, और टाइम की सेकंड है, तो जूल्स पर सेकंड या सिंपली इसको वॉट कहा जाता है. ठीक है, ओके. सो वर्क, अब अगर वर्क की बात डेफिनेशन देखें तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है जी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो गया आपका वेलोसिटी, तो ये फोर्स इनटू वेलोसिटी भी कहते हैं. पावर इज नथिंग बट फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है जी, ओके. अगर अब हम बात करें नेक्स्ट जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे घर में जैसे आजकल फ्री बिजली का कंसेप्ट चल रहा है बहुत सारी स्टेट्स में, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि सूर्य सोलर एनर्जी लगाइए तो 300 यूनिट बिजली मिलेगी. तो 300 यूनिट का मतलब क्या हुआ, अब ये समझते हैं. 300 यूनिट है ना, कई बार कहा जाता है 200 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, तो यूनिट क्या है, तो एक यूनिट बिजली में बेसिकली होता है 1 किलोवाट आवर. वन यूनिट इज 1 किलोवाट आवर. अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी है. सो 1 किलोवाट इज 1000 वॉट, 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स, 60 मिनट 60 सेकेंड्स, तो 3600 सेकेंड्स, तो इतनी एनर्जी हो गई 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स एनर्जी, ठीक है, ये जो है इतनी एनर्जी आपकी हुई. या सिंपली कहें कि अगर आप कहते हैं कि जी मान लीजिए पंखा है या ट्यूब है, 40 वॉट की ट्यूब है, ठीक है, 40 वॉट की ट्यूब है, इसको मैं पूरे दिन में 10 घंटे चलाता हूं, ठीक है, 10 घंटे तक चलाता हूं, तो कितना हो गया, 400 वॉट आवर, ठीक है, 400 वॉट आवर. अब इसको मैंने किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.4 किलोवाट आवर. मतलब यह हुआ कि अगर एक ट्यूब जो 40 वॉट की ट्यूब है वो अगर मैं 10 घंटे चलाता हूं तो मेरी 0.4 यूनिट बिजली खर्च हो गई, ठीक है, 0.4 यूनिट बिजली खर्च हो गई. इसीलिए सरकार क्या कहती है कि अच्छे एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट बल्ब खरीदो, एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खरीदो. आजकल बीई रेटिंग्स आती हैं, है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग्स आती हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, आपने देखा होगा. तो 5 स्टार सबसे अच्छा है, सबसे कम एनर्जी कंजम्पशन है, थोड़ा महंगा पड़ता है पर लॉन्ग टर्म में आपकी बिजली सेव करता है, ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका 0.4 यूनिट, ठीक है, ये हो गया आपका 0.4 यूनिट. अब सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि 30 दिन में पूरे एक महीने में कितने 10 घंटे ट्यूब चल रही है तो पूरे महीने में कितना हो गया, सो 0.4 × 30, तो ये हो गया आपका 12 यूनिट, ठीक है. तो एक ट्यूब अगर 10 घंटे रोज चल रही है तो 12 यूनिट बिजली खर्च कर देगा, ठीक है. तो ये आपका एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आपका मीटर. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउंड, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउंड. साउंड क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो साउंड जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रांसफर होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस जो कि प्रोपोगेट करता है एक पर्टिकुलर मीडियम में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना मीडियम के साउंड एनर्जी ट्रेवल नहीं कर सकती. आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ठीक है, मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, तो इसमें एक मीडियम है, मैं एयर में खड़ा हूं, मतलब एयर वाला जो मीडियम है उसमें हूं, अपनी आवाज को ये जो स्पीकर है इसको कैप्चर कर रहा है, देन इट इज ट्रांसफरिंग कन्वर्टिंग, ठीक है, फिर आप तक ये आवाज पहुंच रही है, ठीक है, ओके. सच एज एयर वाटर एंड सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो अगर मैं कहूं कि वैक्यूम में हूं मैं, अगर मान लीजिए स्पेस में हूं, तो वहां पर कोई भी साउंड एनर्जी आपको नहीं देखने को मिलेगी. सो दीज वेव्स क्रिएट वेरिएशंस इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर. तो ये बेसिकली क्या करता है, यहां पर एक डायग्राम से समझते हैं. हाँ देखो, अब जब यहां से एक वाइब्रेशंस निकली तो ये अपने आगे के जो पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, ठीक है, यहां का जो पार्टिकल है उसको कॉम्प्रेस करेगा या एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये फर्दर आगे मूव करेगा, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा. जब ये आगे एनर्जी ट्रांसफर करेगा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है. तो कुछ पोजीशन पे आपको इस तरीके से कॉम्प्रेशन देखने को मिलेगा, किस जगह पर आपको इस तरीके से रेरिफेक्शन देखने को मिलेगा, रेरिफेक्शन मतलब लो प्रेशर देखने को मिलेगा. तो ये दिस इज बेसिकली हाई प्रेशर, दिस इज बेसिकली लो प्रेशर,
तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली आपको हाई और लो प्रेशर मिलेगा, ये एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी और यही एनर्जी जब आपके ईयर ड्रम्स पर पड़ेगी तब आपको आवाज सुनाई देती है। ठीक है, दिस इज हाउ वी प्रिसीव द साउंड। ठीक है, वी प्रिसीव द साउंड, ये देख लो, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये पार्टिकल, ये रेड कलर का जो पार्टिकल है, ये देखो, ये रेड कलर का पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा है, यहीं पर मूव कर रहा है, ये नहीं मूव कर रहा पार्टिकल। पार्टिकल बेसिकली क्या कर रहा है, जो एनर्जी इसको मिल रही है वो आगे ट्रांसफर कर रहा है, फिर आगे से एनर्जी आई, फिर उसने आगे ट्रांसफर कर दिया। तो इसका काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करना इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये इस तरीके से ये वेव फॉर्म में आपके पास कंप्रेशन रेरिफेक्शन होते हुए आपके कानों तक आवाज पड़ती है और आपको सुनाई देती है। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड। ओके, इसमें दो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है, एक तो आपका ये जो वेव आपकी है, ठीक है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड जो है किसी भी वेव में, बेसिकली जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये हमें बताता है लाउडनेस, क्या बताता है, लाउडनेस को बताता है। ठीक है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। मैं तेजी से बोल रहा हूं, ठीक है, लाउड होके बोल रहा हूं, तो मैं जब लाउड हुआ तो बेसिकली क्या हुआ, ये वाली चीज, अगर मैं धीरे बोल रहा हूं तो ये हो गया, एम्पलीट्यूड मैंने कम कर दिया। ठीक है, सो व्हेन आई एम लाइक इंक्रीजिंग माय वॉल्यूम, ठीक है, और डिक्रीजिंग लाउडनेस को जब मैं कम ज्यादा कर रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, नेक्स्ट एक टर्म आता है आपका पिच। ठीक है, पिच, देखो पिच जो है बेसिकली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1/T टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये जो है क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, वेवलेंथ कहलाता है। तो एक आपका जो क्रेस्ट और ट्रफ, जब यहां से यहां तक की मूवमेंट होती है, इसको जितने भी टाइम में ये मूवमेंट होती है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की जो मूवमेंट होती है, एक पूरी की पूरी वेव कंप्लीट होती है, अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आती है, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम, या एक सेकंड में कितनी जो है फ्रीक्वेंसी है, कितनी ज्यादा जो है आपका ये जो है ये मूव कर रहा है। ठीक है, कितने आपको कंप्लीट सेट ऑफ वेव्स मिल रही हैं। ठीक है, कितनी कंप्लीट सेट ऑफ वेव्स मिल रही हैं, ये बताता है आपको फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जितनी आपको जो है सुनाई देगी, जो आपके ईयर ड्रम्स को या कह लीजिए आपके कान को परसीव होगी, वो कहलाएगा पिच। अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये बताओ कि लड़कियों की पिच ज्यादा होती है या लड़कों की पिच ज्यादा होती है। ठीक है, आवाज में जनरली, ठीक है, जनरली जो है लड़कों की आवाज में पिच ज्यादा होती है या लड़कियों की आवाज में पिच ज्यादा होती है। तो लड़कों की आवाज में बेसिकली क्या है, आपको लड़कियों की आवाज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी, तो इस तरीके से मिलेगा। बट ना, लड़कियों की जो है पिच ज्यादा होती है, लड़कियों की आवाज की पिच ज्यादा होती है, लड़कों की आवाज की पिच कम होती है। ठीक है, इसीलिए जो श्रिलर वॉइस है, ठीक है, जब मतलब मान लो लड़की है थोड़ा सा आवाज, अरे भाई साहब, ठीक है, तो जो है श्रिलर वॉइस होती है। ठीक है, श्रिलर, लड़कों की थोड़ी फ्लैट आवाज होती है। ठीक है, अभी तक यही नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, आगे इसको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा। साउंड नीड्स अ मीडियम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साउंड को एक मीडियम चाहिए। ठीक है, साउंड को एक मीडियम चाहिए, मैकेनिकल वेव, एंड इट नीड्स अ मटेरियल मीडियम थ्रू विच इट कैन प्रोपोगेट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, ठीक है, इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि पार्टिकल है जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रही है तो क्या होगा। ठीक है, वैक्यूम, तो आपकी जो है एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। सो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये ट्रांसफर वेव्स नहीं है। सो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज दे प्रोपोगेट बाय कॉजिंग द पार्टिकल्स इन द मीडियम टू वाइब्रेट पैरेलल। बेसिकली इस डायरेक्शन में अगर आपकी मूवमेंट है, वेव है, और इसी डायरेक्शन में वेव ऑसिलेट होती है। देखो, ट्रांसफर और
ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या फर्क होता है। ट्रांसवर्स वेव में यह होता है कि जो ऑसिलेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। मान लो इस डायरेक्शन में आपका वेव मूव कर रहा है, ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन वेव की ये है और ऑसिलेशन ये है। जब आपकी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो ऑसिलेशन है, ठीक है, जो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ये यहां पर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, जो बॉयज स्कूल में पढ़ा हो तो कॉलेज में भी तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूं। ठीक है, चलो, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। चलो, एनर्जी मूव्स कॉन्स्टेंटली टू द राइट व्हाइल द मीडियम मूव्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। ओके, सो ये हो गया आपका। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साउंड के, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। ठीक है, ये आपको तीनों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। एम्पलीट्यूड बेसिकली किस चीज, ये वेवलेंथ हो गया, ठीक है, जहां से साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां पर खत्म होता है वेवलेंथ कहलाता है। और ये जो हाइट है ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड से हमें लाउडनेस का पता लगता है, ठीक है, लाउडनेस का, और फ्रीक्वेंसी से हमें पिच का पता लगता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं पर यूनिट टाइम, ये क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, इसका सिंबल है हर्ट्ज। ठीक है, दो कंजेगेटिव कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस जब एक फिक्स पॉइंट पर क्रॉस करते हैं उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसका इनवर्स क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, या कह लीजिए एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो गई वो आपका सिंपली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वो आपका सिंपली क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये हाई फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया लड़कियों के केस में, जनरली लड़कियों के केस में हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, लड़कों के केस में फ्रीक्वेंसी कम रहती है या पिच कम रहती है। ठीक है, ओके, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड इज व्हाट वी कॉल द पिच। ठीक है, तो पिच आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो पिच किससे रिलेटेड है, पिच फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है और लाउडनेस एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमें लाइक सबका जो ऑडिबल रेंज है वो अलग है, सबका मतलब जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, खासकर अगर हम जानवरों की बात करें तो सबका ऑडिबल रेंज अलग है। हमारा ऑडिबल रेंज कितना है, कई बार हमने पढ़ा है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चिकन्स की बात करें तो उसका ऑडिबल रेंज बहुत कम है, 125 to 2,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरीके से माइस, ठीक है, उसका जो है 1,000 to 91,000, और वेल का जो है 1,000 to 1,23,000 हर्ट्ज। ठीक है, पेट डॉग्स और कैट्स का ऑडिबल रेंज जो है 70 to 45,000। इसीलिए अगर आप देखेंगे जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने से पहले की जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, इंफ्रासोनिक होती हैं। देखो, इंफ्रा और अल्ट्रा में कभी कंफ्यूज मत करना, अल्ट्रा मतलब अल्ट्रा, अल्ट्रा मैक्स प्रो ज्यादा, ठीक है, इंफ्रा का क्या मतलब होता है, इंफीरियर कम, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ रेड से कम है, ठीक है, और अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट, सो अल्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है, ज्यादा। तो आई होप ये याद रहेगा। तो ये जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले अर्थक्वेक से पहले आपको इंफ्रासोनिक वेव्स रिलीज होती हैं, तो ये इंफ्रासोनिक वेव्स हमें सुनाई कई बार नहीं देती हैं मोस्टली, और जानवरों को ये सुनाई देती हैं, वो आपको बता पाते हैं कि हाँ जी वो भौंकने लगते हैं, या बहुत सारे जानवर जो हैं इस चीज को भांप पाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, सो लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, क्वालिटी बेसिकली हो गया कि देखो वो कह रहा है कि लाउडनेस और पिच एक जैसी हो सकती है। मान लो एक गिटार बजा रहा है कोई, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, तो सबका जो क्वालिटी है वो अलग देखने को मिलती है। ठीक है, जो आपका ईयर ड्रम्स है या आपका कान है वो अलग तरीके से उस साउंड को परसीव करता है। ठीक है, ओके, एम्पलीट्यूड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, एक टर्म और आता है टोन और नोट। टोन और नोट, टोन क्या है, बेसिकली साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, दैट इज टोन। अब इस तरीके से जो कि मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी से बना है वो कहलाता है नोट। ठीक है, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं, ठीक है, सारे गामा पाधानी सा, ठीक है, सो दिस इज नोट्स बेसिकली, प्लेजेंट टू लिसन, इसीलिए सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं ये। ठीक है, जब इसको एक सीक्वेंस में गाया जाता है तो सुनने में अच्छे लगते हैं।
सो नॉइस क्या है? अनप्लेजेंट साउंड है. नॉइस अनप्लेजेंट साउंड है जिससे कोई रिदमिक साउंड नहीं आ रही है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो स्पीड ऑफ साउंड है इन द गैशियस मीडियम वो बहुत कम है, एज यू कैन सी ओवर हियर, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये कम है. वेयर एज इन द सॉलिड स्पीड, क्योंकि देखो सॉलिड में क्या है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं. ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, बहुत जल्दी ट्रांसफर होगी अगले पार्टिकल में. ठीक है, बहुत क्लोजली प्लेस्ड हैं. वेयर एज इन द गैशियस में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर प्लेस्ड हैं, तो यहां की एनर्जी यहां पर पहुंचेगी, फिर ये बहुत धीरे से यहां पर पहुंचेगी, मतलब टाइम लेगा, इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, तो एनर्जी डिसिपेट बहुत ज्यादा होगी यहां पर. ठीक है, एनर्जी का डिसिपेशन ज्यादा होगा, यहां पर एनर्जी का डिसिपेशन कम होगा, इसीलिए स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड मीडियम इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैशियस मीडियम. ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है. ओके, यहां पर एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सॉलिड में आपको सबसे तेजी से, गैस में इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इको. देखो इको होता है जो भी साउंड है ना जो हम सुन रहे हैं, जल्दी कहा जाता है कि ये 0.1 सेकंड तक आपके आपको इसका एहसास रहता है, इसका जो है असर रहता है. या इसको जो है आप जो है 0.1 सेकंड तक आप इसको सुन सकते हैं. ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए क्लोज रूम है और उसमें जो आवाज जो है वो टकराकर वापस आती है. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इको कहते हैं. सॉरी, सो जैसे कि सेंडर है तो यहां पर आपकी साउंड जा रही है, यहां पर टकरा के वापस आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, इको. नहीं, हो हो आवाज जैसे गूंज के आ रही है. ठीक है, कई सारी मूवीज में आप देखते होंगे कि पहाड़ पे खड़े होके जो है आवाज, सो दैट विल कम बैक. ठीक है, सो दैट इज द वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इको. अगर हम यहां पर बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि 0.1 सेकंड, लाइक 340 मीटर पर सेकंड, तो 340 मीटर पर सेकंड, तो अगर सो दैट डिवाइडेड बाय 0.1, 34 मीटर, तो 34 मीटर आना और जाना. तो अगर आपके कमरे का लेंथ लाइक लेस देन 17 मीटर है, तो देयर आर चांसेस कि वो जो है वहां पर आपको इको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो उस इको को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बर्स लगाते हैं. ठीक है, आपको मैं किसी दिन इस क्लासरूम के बारे में दिखाऊंगा, तो यहां पर भी कई सारे साउंड एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं. ठीक है, साउंड एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं. हाँ, इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं, सब पे क्वेश्चन. अब क्या होता है कि जो जो म्यूजिकल कंसर्ट्स होते हैं, या आपने कॉलेजेस में देखा होगा आपने, ठीक है, जो भी कह लीजिए कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं, वो उसमें आपको जो भी बिल्डिंग है या जो छत है या जो सरफेस है, वो आपको सीलिंग जो है वो कर्व्ड सीलिंग मिलती है, या पीछे का जो सरफेस है, वॉल है, वो भी कर्व्ड मिलता है. द सिंपल रीजन इज कि यहां से अगर जो सोर्स ऑफ साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर जो वो टकराएगा, ठीक है, यहां पर जो वो टकराएगा, तो टकरा के सीधा जाए. ठीक है, सीधा जाए और इस व्यक्ति को सही तरीके से सुनाई दे. तो ऑडिटोरियम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में जनरली आपको थोड़ा कर्व्ड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ताकि लिसनर को आवाज सुनने में कोई दिक्कत ना हो, उसको इको ना दिखाई दे या इको ना हो. तो यहां पर ये जो कर्व दिखाई देता है, ऊपर की तरफ जो कर्व दिखाई देता है, ठीक है, ये इसको एक और टर्म कहा जाता है, रेवरबरेशंस. ठीक है, रेवरबरेशंस. रेवरबरेशंस क्या है, बेसिकली बहुत सारी साउंड जो है यहां से टकरा के यहां जा रही है, यहां से टकरा के यहां जा रही है. ठीक है, तो बहुत सारी साउंड जो है, अगर क्लोज रूम है तो वो, अगर मैं यहां बोल रहा हूं, यहां बोल रहा हूं, तो आपको अलग तरीके से साउंड आ रही होगी. अगर मैं इस यहां की तरफ देख के बोल रहा हूं, तो आपको अलग तरीके की साउंड सुनाई देगी. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली रेवरबरेशंस. यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये टकरा के, आइडिया है इसके, जो भी लिसनर है उसको आवाज जो है आपको इको ना हो और उसको सही तरीके से सुनाई दे.
नेक्स्ट आपका जो है यहां पर कंसेप्ट आता है कि किस तरीके से जो स्टेथोस्कोप है वो क्या चीज को यूज करता है। देखिए स्टेथोस्कोप क्या करता है, स्टेथोस्कोप जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करता है। तो जो भी जब आपका डायफ्राम है, ठीक है, लाइक जब आप सांस लेते हैं एक्सपैंड होता है तो वो जो मूवमेंट है, ठीक है, वो मूवमेंट आपकी रिकॉर्ड होती है और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू यहां पर डॉक्टर सुनाई, मतलब डॉक्टर जो है उसको सुन सकता है, ठीक है। सो वो कंसेप्ट यहां पर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये रेवरबेरेशंस का मैंने आपको कंसेप्ट बताया। सिमिलरली रेंज ऑफ हियरिंग की अगर हम बात करें, 20 to 20,000 हर्ट्ज की बात की हमने, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें आपका आता है लाइक हाथी, ठीक है, हाथी जो है, अगर आप एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट्स जो हैं इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं। इवन एक एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से बात 6 किलोमीटर तक बात कर सकता है इंफ्रासोनिक साउंड्स को रिलीज करके, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इससे जो है जब भी लाइक अर्थक्वेक आने वाला होता है उससे पहले जो इंफ्रासोनिक वेव्स रिलीज होती हैं वो जो है उनको उनको सुनाई दे सकती हैं। ओके, अब यहां पर अगर आप बात करें एज ग्रुप, ठीक है, एज ग्रुप जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, ठीक है, उम्र बढ़ती है, ठीक है, बीवी की डांट सुनते सुनते उसकी सुनने की क्षमता कम होती जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कह रही है, ये आप देख सकते हैं। जब वो 20 का होता है तो 17,000 हर्ट्ज, ठीक है, फिर वो 30 का हुआ 16,000, 40 का 15,000, 50 का 12,000, फिर वो कह रहा है कि छोड़ो यार जिंदगी में क्या सुनना, ठीक है, अब वो मतलब बर्तन खड़ा कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए ठीक है, तो ये उम्र के साथ साथ सबके साथ होगा, आप लोगों के साथ होने वाला है, हमारे साथ चल रहा है। चलो, सो यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड्स एलिफेंट्स कैन टॉक टू ईच अदर 6 miles अपार्ट, ठीक है, 6 miles अपार्ट 6 miles, आई एम रियली सॉरी, मैंने बोला 6 किलोमीटर, 6 miles है, ठीक है। ह्यूमंस कांट हियर इट, इंफ्रासोनिक्स आर लो फ्रिक्वेंसी नॉइजेस बिटवीन 1 to 20 hertz, ठीक है, 1 to 20 hertz या लेस देन 20 hertz आप कह सकते हैं, वो साउंड जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड होती है। ओके, अल्ट्रासाउंड में जैसे बैट है, ठीक है, चमगादड़ जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एक एक करके सारे देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जब आप देखेंगे लेडीज में, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान पर बच्चे को देखने के लिए, बच्चे की हेल्थ को देखने के लिए, बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ कैसा हो रहा है, फीटस फीटल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो सारी चीजें जो हैं आपको कहां से पता लगती हैं, अल्ट्रासाउंड से पता लगती हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्या है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं और ये क्या है, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो आपको जो है यहां पर फीटस की डेवलपमेंट, फीटस के कह लीजिए सारे बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, ठीक हैं, डेवलपमेंट ठीक है, उसके बारे में पता लग पाता है, ठीक है। सिमिलरली एक बहुत बड़ा ब्रिज है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा ब्रिज है, उसमें क्रैक आ गया है या कोई बहुत बड़ा मेटल का स्ट्रक्चर है, उसमें बीच में छेद आ गया है, ठीक है, वो कमजोर हो रहा है, आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा देखने से, ठीक है, नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या करेंगे, तब आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं, देखो वेव्स का दो नेचर है, या तो अब जब अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, वो एक मेटल स्ट्रक्चर में या एक सॉलिड में जब मूव करती हैं तो अगर इसमें कहीं छेद नहीं है तो वो सीधा डायरेक्टली पास कर जाएगा, बट जहां पर कह लीजिए होल है, छेद है, ठीक है, जहां पर वो स्ट्रक्चर कमजोर पड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अब ये जो एयर कैविटी है, यहां पर क्या है, एयर है, ठीक है, यहां पर मीडियम जो है ड्रास्टिकली चेंज हो गया, यहां की डेंसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, वेयर एज एयर कैविटी की जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। तो अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्टली पास कर जाए या रिफ्लेक्ट बैक कर जाए। अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो कह लीजिए प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं कि जहां पर ये मीडियम चेंज होगा, जहां पर क्रैक होगा, वहां पर ये टकरा के वापस आ जाएगा। तो सिंपल आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और आपका जो कह लीजिए मेटल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें अगर मान लीजिए किसी तरीके की कैविटी है, छेद है, होल है, तो वो कैसे पता लगेगा, वो आपको अल्ट्रासोनिक वेव से पता लगेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
सिमिलरली अल्ट्रासाउंड शॉक वेव से आप किडनी स्टोन्स को पता कर सकते हैं, किडनी स्टोन स्मॉलर पीसेस दैट कैन इजिली पास थ्रू यूटरस, ठीक है। तो यहां पर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का एक और एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट छोटा लास्ट टॉपिक हो गया आपका इस आज के सेशन का, दैट इज सोनार। सोनार क्या है, ठीक है, सोनार नॉट दैट वो वाला सोनार जिससे आप गोल्ड के आइटम्स बनवाते हैं, सोनार नहीं है ये, सोनार सोनार वैसे सेम ही है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहां पर भी बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, अल्ट्रा साउंड वेव्स को यूज कर रहे हैं, बेसिकली पानी में किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को देखना है, ओशियन की डेप्थ को या सी की डेप्थ को देखना है, सबमर्ज्ड, ठीक है, सबमर्ज्ड जो है कह लीजिए, मान लीजिए कोई शिप है वो डूब गया है, नीचे कोई हिल है, सी हिल है, ठीक है, उसको चेक करना है, उसकी हाइट को चेक करना है, वो सारी चीजें, या कोई किसी भी तरीके का आइसबर्ग है उसको चेक करना है, वहां पर ये सोनार की एप्लीकेशन आती है, ठीक है। तो ये नेविगेशन में, फिशिंग में, मरीन रिसर्च में, मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, साउंड वेव्स को भेजा जाता है और ये टकरा के वापिस आती हैं। अब आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब मान लीजिए 2D, मैं इसको 2D लिख लेता हूं, अगर ये डिस्टेंस डी है तो 2D इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो आपको सिंपली ये पता लग जाएगा स्पीड कितनी है साउंड वेव की, वो आपको पता है, कितने टाइम में वो वापस आ गई टकरा के वो पता है, तो आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है, कि इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आपको स्पीड देखेंगे, टाइम देखेंगे कितने टाइम में वापस आ गया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है। चलो, सो इस तरीके से ये सोनार की एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या है कि एरियाज हैं, अलग अलग एरियाज हैं, उसमें परमिसिबल लेवल कितना है नॉइज का, ठीक है, नॉइज का परमिसिबल लेवल कितना है। अगर आप साइलेंट जोन, अब साइलेंट जोन जनरली क्या होता है, साइलेंट जोन स्कूल हॉस्पिटल, ठीक है, इसके 100 मीटर के दायरे में आप जो है डे टाइम में 50 डेसिबल तक का साउंड कर सकते हैं और नाइट में 45, तो 50 और 45। फिर अगर आप देखेंगे यहां पर आपका आता है रेजिडेंशियल एरिया 55 और 50, ठीक है, फिर आपका कमर्शियल एरिया है 65 और 55। तो यहां पर आप ऐसे याद रख सकते हो 45 प्लस 50, फिर 50 55, फिर यहां पर आपका हो गया 55 और 65। ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ये 45 50 50, ये फिर ये फिर ये, और उसके बाद आपका 70 और 75 है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा गया है, रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया साइलेंट जोन क्या कहलाता है, साइलेंट जोन कहलाता है हॉस्पिटल्स और आपका जो कह लीजिए स्कूल्स हैं और रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस हैं उन पे आपका एक उसको रखा गया है, टाइम लिमिट को रखा गया है, मतलब नॉइस के लेवल को रखा गया है। यहां पर अगर हम देखें नाइट टाइम जो है मैक्सिमम जगह आपको क्या मिलता है, 10 PM to 6 AM, ठीक है, 10 PM to 6 AM, ठीक है, ये आपको टाइम देखने को मिलता है। ओके, जैसे अगर हम मैं बात करूं कि नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं तो ये क्या है, 10 decibel है, ठीक है, रस्टल ऑफ लीव्स, पत्ते हिल रहे हैं, 20 decibel, अगर मैं तो दैट इज 30 decibel, रेफ्रिजरेटर 40 decibel, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये अलग अलग तरीके से, कार 70 decibel, अगर नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं 60 decibel, ठीक है, ट्रक जो है 80 decibels, देन आपका हेयर ड्रायर, हेलीकॉप्टर, ठीक है, देन पुलिस आयरन, देन जेट इंजन, इस तरीके से आपका साउंड जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जल्दी से। अभी हमने अराउंड 50 मिनट्स में दो चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया है क्विकली, अब जल्दी से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 100 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 10 घंटे के लिए चलता है और 30 दिन में ये कितनी एनर्जी यूज कर लेगा, ठीक है, 30 दिन में कितनी एनर्जी यूज कर लेगा। तो 100 वॉट का है, ठीक है जी, 100 वॉट का 10 घंटे के लिए चलता है, तो ये कितना हो गया, 100 वॉट और 10 आर, तो ये हो गया 1000 वॉट आर। 1000 वॉट कितना हो गया, 1 kW hour, 1 kW hour इज 1 यूनिट, ठीक है, एक दिन में 1 यूनिट, 30 दिन में 30 यूनिट बिजली
खर्च हो जाएगी, 30 दिन में 30 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, कौन सा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल आयंस का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसमें नहीं है बताओ, कैंडल, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, लेजर, टेलीविजन सेट, ऑब्वियसली, हाँ जी, कैंडल, कैंडल में आपको कोई क्या कोई लाइट लगाते हैं हम, बिजली लगाते हैं नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये नहीं मिलता है, सो ये सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। So, इसमें विक मेल्ट द वैक्स, ठीक है, जो आग लगाते हैं, ठीक है, उससे जो है वो मेल्ट होता है, उससे फर्दर जो है आपको लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं साइंस में क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन, सो ऑब्वियसली न्यूक्लियर फ्यूजन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, सो दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। एन ऑब्जेक्ट इज राइज टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज देन अलाउड टू फॉल ऑन टू अ टेबल ऑफ 1 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 2/3 इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल ऑफ द टोटल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 2/3 व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज बाय 1/3, किनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 1/3 व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 1/3। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर आपको एक टेबल मिल रहा है, टेबल की हाइट है 1 मीटर, ठीक है, और 3 मीटर से, 3 मीटर की हाइट से एक बॉल ऑब्जेक्ट है, बॉल है कुछ भी है, ये इसको फॉल कराया तो यहां पर पहुंच गया, ठीक है, यहां पर पहुंच गया 1 मीटर की हाइट पे, तो वेरी ऑब्वियस, तो यहां पर टोटल इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, एच कितना है 3, सो 3 mg है, और यहां पर हाइट कितनी है 1 मीटर, तो 1 into mg, ठीक है, तो यहां पर mg है, तो सॉरी, ठीक है, यहां पर mg है, ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी 3 mg से हो गई 1 mg, तो 2 mg डिक्रीज हुई है, मतलब 2/3 डिक्रीज हुई है, तो 2/3 डिक्रीज हुई है, तो आंसर हो गया ए, ठीक है, आंसर हो गया ए, ठीक है। चलो, सो क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ, ठीक है, क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हां जी, क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ, दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है, अगेंस्ट द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, वो फॉल कर रही है वैक्यूम में, विच ऑफ द फॉलिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फॉल, पोटेंशियल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कोई एक बॉडी है फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन अ वैक्यूम, वैक्यूम, तो क्या चीज है जो आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सो आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड कैनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी किनेटिक एनर्जी में और वाइस वर्सा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m1v1 + m2v2 = m2u2 + m1u1 + m2u2, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द रिजल्टेंट एनर्जी पावर फोर्स इंपल्स, हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, फोर्स, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, दैट इज फोर्स, नॉट इंपल्स। ऐसे देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम इंटू वी, ठीक है, एम इंटू वी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ अ मैकेनिकल पावर इज जूल वॉट न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड, हाँ जी ठीक है, सो दैट इज वॉट, मैकेनिकल पावर इज वॉट, ठीक है वॉट, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मिथेन, कौन सा स्टेटमेंट सही है, दो नॉट एग्जैक्टली फिजिक्स का क्वेश्चन बट स्टिल ठीक है, क्योंकि एनर्जी की पावर की बात कर रहे हैं, सो एलपीजी में ब्यूटेन होता है, बायोगैस में मिथेन होता है, ठीक है बायोगैस में मिथेन है CH4, ठीक है ब्यूटेन C4H10, ठीक है C4H10, ये हो गया CH4, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया सी, ठीक है दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, व्हेन अ पिस्टन इन एन ऑटोमोबाइल इंजन कंप्रेसेस द गैस इन अ सिलेंडर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अकर, ठीक है किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज, द गैस मस्ट अंडरगो अ चेंज ऑफ स्टेट, द गैस मस्ट अंडरगो अ केमिकल चेंज, नॉन ऑफ द अबव। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में जब पिस्टन मूव करती है, व्हेन अ पिस्टन इन एन ऑटोमोबाइल इंजन कंप्रेसेस द गैस इन अ सिलेंडर, ठीक है उससे क्या होता है, यस सो दैट इज द किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज, क्योंकि जब कंप्रेस होगा तो क्या होगा, किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है स्पीड बढ़ेगी, ठीक है सो किनेटिक एनर्जी मस्ट इंक्रीज व्हेन द पिस्टन इन अ सिलेंडर मूव इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, द कंप्रेसर्स आर एक्सपैंड्स द गैस रिस्पेक्टिवली, इट टर्न्स इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द कन्फाइंड गैस, सो जब प्रेशर बढ़ रहा है इट विल लीड टू किनेटिक एनर्जी, ठीक है सो चलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द साउंडिंग्स, साउंड के क्वेश्चंस, टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड जनरली बियॉन्ड अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू, टेलीविजन सिग्नल को बियॉन्ड अ पॉइंट रिसीव नहीं किया जा सकता, क्यों, कर्वेचर ऑफ द अर्थ, वीकनेस ऑफ द एंटीना, वीकनेस ऑफ द सिग्नल, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिग्नल इन द एयर, ठीक है अब देखो कर्व, यहां पर एक एंटीना है, ठीक है मान लीजिए ये एंटीना है, तो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर, यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये वाले एंटीना तक ही ये पहुंच सकता है, ठीक है ये वाले एंटीना तक ये नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसका सिग्नल जो है कर्वेचर की वजह से, सो दैट इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जी नहीं ठीक है कर्वेचर ऑफ द अर्थ, सो ये देखो यहां पर ये जो एंटीना है ये एक टेंजेंट, तो ये यहीं तक पहुंच सकता है, अब मान लो यहां पर एक एंटीना है तो यहां पर तो वो सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है यहां पर वो सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा, ये सिग्नल जो है ये सिग्नल कहीं यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है क्लियर, चलो ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमिसिबल लेवल ऑफ नॉइस इन अ साइलेंट जोन एट डे टाइम, साइलेंस साइलेंट जोन में डे टाइम में कितना डेसिबल अलाउड है, 50, 60, 65, 75, ठीक है कितने डेसिबल साउंड जो है अलाउड है, सो दैट इज 50, नाइट टाइम में कितना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, नाइट टाइम में 45 डेसिबल, ठीक है रेजिडेंशियल एरिया में कितना था 50 और 55, ठीक है देन आपका 55 और 60, ठीक है कमर्शियल एरिया में, ठीक है दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है 50 और 55, 55 और 65, फिर 70 और 75, ठीक है तो ये हो गया आपका। सोनार में क्या यूज करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक, रेडियो वेव्स, ऑडिबल साउंड वेव्स, सोनार में हम क्या यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सो व्हाट वी यूज, सो दैट इज द अल्ट्रासोनिक वेव्स, सो वी यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द वॉटर, ठीक है ओशन ऑफ द डेप्थ ऑफ द ओशन, ये सारी चीजें हम देखने की हमें पता लगता है। टू आइडेंटिकल पियानो वायर्स हैव द सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच केप्ट अंडर द सेम टेंशन, व्हाट विल हैपन इफ द टेंशन ऑफ द वन ऑफ द वायर इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, बोथ द वायर्स आर मेड टू वाइब्रेट साइमल्टेनियसली, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ो अच्छे से और मेरे को बताओ इसका आंसर। हाँ जी
यस देखो, रेजोनेंस होता है जब दो फ्रीक्वेंसीज सेम होती हैं, फ्रीक्वेंसीज सेम होती हैं तो ये हो गया बीट्स। बीट्स में क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती हैं, सेम नहीं होती हैं। अब ये बताओ, सेम नहीं होती हैं ठीक है बीट्स में। अब जब मैं दो वायर हैं, एक वायर बहुत ज्यादा मतलब लाइक टाइट है, एक थोड़ी लूज है, तो एक में जब मैं उसको टच करूंगा तो टन आवाज आएगी ठीक है। एक में आवाज जो है आपको अलग तरीके की बीट आएगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या सेम होगी, नहीं सेम होगी ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा, बीट्स। तो आपको क्या सुनाई देगा, बीट सुनाई देगा। दोबारा से समझना, देखो जब दो फ्रीक्वेंसी सेम होती हैं ठीक है, उसको रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं होगा, आपको क्या मिलेगा, बीट मिलेगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है ठीक है। एक आपका वायर बहुत टाइट है, एक लूज है, दोनों को जब आप हिट करेंगे तो अलग तरीके का साउंड आएगा आपको ठीक है। तो दोनों में अलग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, क्लियर? तो दोनों का मतलब क्लियर हुआ, बीट्स और फ्रीक्वेंसी का। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, साउंड वेव इन गैसेज आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, येस और नो? समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है, लग रहा है कि हाँ पेपर के लिए हमारा तैयारी हो रही है, हमें चीजें समझ आ रही हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ठीक है। सो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये सेशंस मेंट फॉर CDS, CAPF, NDA ठीक है। ओके, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स, और साउंड वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड्स आर लाउडर, हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज आर शार्प ठीक है, जैसे लड़कियों की आवाज होती है शार्प ठीक है। सो साउंड वेव्स इन गैसेस आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन नेचर, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नॉट अल्ट्रासोनिक वेव्स, दैट आर इंफ्रासोनिक वेव्स ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, दैट इज इंफ्रासोनिक वेव्स। ओके, साउंड वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड्स आर लाउडर, यस ठीक है, हायर मैंने आपको ना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आवाज बढ़ा दी, एम्पलीट्यूड आवाज कम, लाउडनेस ठीक है। साउंड वेव विद हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से मैंने आपको क्या बताया था, पिच ठीक है, श्रिल आवाज है या फ्लैट आवाज है ठीक है। चलो, अ पर्सन रिंग्स अ मेटालिक बेल नियर अ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल ठीक है, ही हियर्स अ इको आफ्टर 0.3 सेकेंड, इफ द साउंड मूव्स विद द स्पीड ऑफ दिस, हाउ फार इज द वॉल फ्रॉम हिम ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सिंपली स्पीड इंटू टाइम कर लो, स्पीड इंटू टाइम तो कितना हो गया, 340 into 0.3, सो 3 divided by 10, तो ये हो गया 34 into 3 कर लो, कितना हो गया 102 ठीक है, 102 मीटर। अब ये 102 मीटर कितना है, ये इस पॉइंट से टकरा के वापस आ रहा है, सो ये 2D है, ये 2D है 102, सो D कितना आ गया, 51 मीटर ठीक है, 51 मीटर। तो हाउ फार इज द वॉल फ्रॉम हिम, 51 मीटर। तो ये पेपर में ध्यान रखना कि जल्दबाजी में ये ना हो कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपको पेपर में 10 क्वेश्चन दिखे जो नहीं आते थे, फिर एक ये क्वेश्चन देखा, आपका आप हतोत्साहित हो गए कि वाह मजा आ गया, लंबी सांस ली, मल्टीप्लाई किया, इसको टिक किया, गोला भर दिया, फिर समझ आया कि गड़बड़ हो गई ठीक है। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन में थोड़ा 2 सेकेंड सोचना है ठीक है, वो कहते हैं जाल बिछाया हुआ है वो ठीक है। तो 10 मुश्किल क्वेश्चन के बाद एक ऐसा आसान क्वेश्चन, एक जो सही होना था वो भी गलत हो गया, तो ऐसा नहीं करना है, पेपर में ध्यान रखना है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स ऑफ अ नोट दैट इज 1 ऑक्टेव हायर देन 500 हर्ट्स ठीक है जी। ओके जी हाँ, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट दैट इज 1 ऑक्टेव हायर देन 500 हर्ट्स। अच्छा, ये 1 ऑक्टेव हायर क्या मतलब होता है, देखिए 1 ऑक्टेव हायर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जब डबल होती है ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब डबल हो जाती है उसको बोलते हैं 1 ऑक्टेव हायर ठीक है, 1 ऑक्टेव हायर ठीक है। सो बेसिकली 500 हर्ट्स है, तो डबल कितना हो गया इसका, 1000 हर्ट्स ठीक है, इसका 1000 हर्ट्स हो गया। सो आंसर क्या हो गया आपका, 1000 ठीक है, आंसर हो गया 1000 ठीक है। सो नोट दैट इज 1 ऑक्टेव हायर, 1 ऑक्टेव हायर होता है डबल। ओके, इको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेंड्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड विच मूव्स विद द स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द ठीक है, वो माउंटेन पे खड़े होके, मेरे को मूवी याद आ जाती है एक,
तो कहता है कि इस पहाड़ी पे जो आवाज करता है, 3 बार अगर क्रॉस होके आ गई तो मतलब आपको जो है कोई ना कोई मिल जाएगा। पर कहता तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहता हर बार जब मैं बोलता हूँ तो 2 बार ही आवाज वापिस आती है। ठीक है चलो, सो 340 × 5, ठीक है, और इसको 2 से पहले डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया, 850 meters हो गया। ठीक है, तो सो ये 170, सो 850 meters, 850 meters कितना हो गया, 0.85 किलोमीटर। ठीक है, 0.85 किलोमीटर। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ स्फेरिकल वुडन बॉब इज 2 सेकेंड। इफ द बॉब इज रिप्लेस बाय मेटेलिक वन ट्वाइस एज हैवी द टाइम पीरियड विल बी। इसमें क्या है, देखो इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई L/G। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई L/G होता है। इसका मास से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, इसका मास से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, स्फेरिकल वुडन बॉब का 2 सेकेंड है, तो वो मेटेलिक वन का भी 2 सेकेंड ही होगा। ठीक है, वो 2 सेकेंड ही होगा क्योंकि फॉर्मूला है टाइम पीरियड का 2 पाई √L/G। ठीक है, लेंथ पे है और ग्रेविटी पे है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद द मास। ठीक है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो इसलिए ये जो है सेम होगा। ओके, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स डज द साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट। साउंड वेव स्लोएस्ट किस में होती है, साउंड वेव सबसे स्लो किस में होती है, एयर, ग्लास, वॉटर, वुड। ठीक है, सबसे स्लो किस में होती है साउंड वेव, सो गैशियस मीडियम में। सो गैशियस मीडियम कौन सा हो गया, ठीक है, इनमें से गैशियस मीडियम, सो एयर। ठीक है जी, एयर, तो यहां पर आपको एयर मिलेगा। ठीक है, सो एयर में सबसे कम जो है स्पीड ऑफ साउंड। स्टेथोस्कोप यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। स्टेथोस्कोप किस पे बेस है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, स्कैटरिंग ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्रेक्शन, तो इसमें हमने पढ़ा था ये मूवमेंट जो है ये क्या हुआ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव अवन यूज करता है वेव विद अ, कौन सी वेव को यूज करता है। ठीक है, माइक्रोवेव अवन जो है किस वेव को यूज करता है, लार्ज वेवलेंथ इन द इनविजिबल रेंज, स्मॉल वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, लार्ज वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, स्मॉल वेवलेंथ इन द इनविजिबल रेंज। ठीक है, अब देखो माइक्रोवेव आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रोवेव जो है किस वेवलेंथ पे है। ये वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम डिस्कस करेंगे तब का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि आज हमने माइक्रोवेव डिस्कस किया तो थोड़ा सा आज के उसमें भी है कंटेक्स्ट में। तो माइक्रोवेव में आपको वेवलेंथ ज्यादा मिलती है इनविजिबल रेंज में। ठीक है, इनविजिबल रेंज में, सो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, लार्ज वेवलेंथ, इनविजिबल रेंज, फ्रीक्वेंसी 2.5, सो नहीं जी, लार्ज वेवलेंथ इन द इनविजिबल रेंज। ओके, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला ही स्टेटमेंट गलत, सोचने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आंसर डी होगा, बट फिर भी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यस, ठीक है, तो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, तो आंसर क्या हो गया आपका, ठीक है, आंसर क्या हो गया, वेलकम वेलकम नीरज, सो आंसर क्या हो गया, डी, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज राइट। ठीक है, ओके, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। पहला टॉपिक एक हमने डिस्कस किया, हाँ जी, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए आज हमने, मैं भी भूल गया, ठीक है, नहीं, वर्क एंड एनर्जी डिस्कस किया और साउंड डिस्कस किया। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी और साउंड डिस्कस कर लिया। आज हमने 3 चैप्टर मॉर्निंग के सेशन में डिस्कस किए, 2 चैप्टर अभी डिस्कस कर लिए, फिजिक्स के हमने 5 चैप्टर डिस्कस कर लिए। इन 5 चैप्टर्स की पहले हमने बेसिक थ्योरी डिस्कस की है, फिर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इफ यू विल सी द क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स में, साइंस में 30 क्वेश्चन तक पूछता है, 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अगर आप
बहुत इजीली डूएबल है. 25 क्वेश्चंस, 24 25 क्वेश्चंस, वेरी इजीबल डूएबल, इजीली डूएबल. कल के सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे. कल का सेशन मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा, ठीक है, ड्यू टू सम कमिटमेंट्स. विल हैव द सेशन इन द इवनिंग, ठीक है. टुमारो सेशन विल बी एट द इवनिंग, ठीक है. और टुमारो को उसका जो टाइम पीरियड है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा. जो भी बच्चे अभी रिसेंटली जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, उनके लिए एक सजेशन है कि वो जीएस बाय संदीप बंसल टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें जरूर, ठीक है. टाइमिंग्स इज कन्वीनियंट, आई गुड अटेंड बोथ द, ठीक है जी, थैंक यू. सर का लाइव क्लास होगा बिकॉज आई ज्वाइंट लेट. हाँ कल लाइव क्लास होगा, ठीक है, कल लाइव क्लास होगा, मोस्ट प्रोबेबली एट 6 PM, ठीक है. और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद. ये आज का सेशन कंप्लीट होता है. फिजिक्स अगले दो लेक्चर में, फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, सैटरडे को हम कंप्लीट कर लेंगे फिजिक्स, और विल स्टार्ट विथ केमिस्ट्री ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. तो आइडिया हेयर इज कि हम अगले हफ्ते तक अपना, मतलब अगले मान के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक जो है हमारा साइंस भी कंप्लीट हो जाए और मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए. दैट इज द इंटेंट, ठीक है, दैट इज द इंटेंट. और उसके बाद जो है लगभग एक हफ्ता, जो मान के चलो कि 7th और 8th अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक जो का जो टाइम पीरियड होगा, उसमें हम जो है क्या डिस्कस कर रहे होंगे, उसमें हम जनरली डिस्कस कर रहे होंगे बहुत सारी ट्रिक्स को, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारी ट्रिक्स को. तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एक पूरे सेशन में जितनी भी हिस्ट्री की ट्रिक्स हैं वो ले आऊंगा, ठीक है. एक में मैं लाइक ज्योग्राफी की ट्रिक्स को ले आऊंगा, एक में इस तरीके से हम ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाए, जिससे आप चीज़ों को याद कर पाए, ठीक है जी. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल मिलते हैं एट 6 PM, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर.